नाथनगर प्रखंड में अंचलाधिकारी द्वारा 11 सितंबर को अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर विचार विमर्श करना था। इस बैठक में BDO CEO समेत सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को शामिल होना था, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक को स्थगित कर दिया गया। वहीं CEO राजेश कुमार अंचल कार्यालय में मौजूद नहीं पाए गए, जबकि BDO राकेश कुमार प्रखंड कार्यालय से पहले ही निकल चुके थे। ऐसे में प्रखंड के सभी पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी की सूचना मिलने पर BDO आनंद फानन में आधे घंटे के अंदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इसके बाद प्रखंड परिसर में ही BDO द्वारा जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई। काफी आश्वासन देने और दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भरोसा देने के बाद प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट का ताला खोला गया। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने BDO राकेश कुमार को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें प्रमुख तौर पर नाथनगर अंचलाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता को राहत पहुंचाने का आदेश देने को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया गया। लाई गई थी, CEO के द्वारा लेटर निकला था, इसमें सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं प्रखंड स्तर के सभी को सूचित किया गया था लिखित, लेकिन जब सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रखंड कार्यालय तो देखते हैं CEO गायब है, BDO गायब है, तो सभी लोग धूप में सबको बुला लिया गया, किसी कहीं को पता नहीं। आक्रोशित होकर सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में ताला जड़ने का कार्य किया जा रहा है गुस्सा में, जिसमें सभी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जदयू के हैं, प्रमुख जी हैं, सभी पंचायत समिति सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, जितने भी अनुश्रवण समिति के सदस्य होते हैं सभी उपस्थित हैं। किसी भी अधिकारी का यहाँ कोई आता पता नहीं है, इसलिए आज से ब्लॉक में तालाबंदी किया गया। हम लोग अपने स्तर से आगे इसको दिखाया जाए ताकि आगे और जगह भी इसका असर पड़े। और देख लीजिए पूरा पंचायत शंकरपुर बैरिया आपका गोसादासपुर भोलपुर और बैरिया भटोरिया रनूचक राघोपुर जितना भी ग्राम पंचायत है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है 5 दिन से, एक बार भी किसी अधिकारी के द्वारा अभी तक सर्वे नहीं किया गया, कोई भ्रमण नहीं किया है, न किसी जनप्रतिनिधि को बोला गया है। ग्रामीण सब त्रस्त हैं, घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन अभी तक ये लोग के कान पर जू नहीं रेंगा है। अंचलाधिकारी नाथनगर के द्वारा अनुश्रवण समिति की बैठक रखी गई, जिसमें कि पूरे प्रखंड के मुखियागण और पंचायत समिति के सदस्य सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था, साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं सारे लोग यहां पर आए हुए थे हैं, लेकिन अचानक मतलब कि देखते हैं कि आज यहां पर CEO साहब नहीं है। बिना CEO साहब की उपस्थिति में यह बैठक कैसे संभव हो सकती है? यदि उनको यह ऐसी ही बात थी तो उनको पहले सूचना दे देनी चाहिए थी कि भाई आज की बैठक। हाँ, और इसके साथ साथ सभी मुखिया को या फिर पंचायत समिति सदस्यों को भी बैठक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। किस हिसाब से ये लोग मतलब कि बैठक करते हैं यह बात समझ में नहीं आती है। हमारा पूरा नाथनगर का क्षेत्र जो है, नाथनगर में गोसाईदासपुर ग्राम पंचायत, ये शंकरपुर ग्राम पंचायत, रतिपुर बरियाब ग्राम पंचायत, ये गंगा की गर्भ में है, जहाँ की मतलब कि थोड़ा सा भी यदि जल स्तर बढ़ जाता है तो ये लोग मतलब कि काफी घरों में पानी चला जाता है और बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अतिरिक्त हमारा राघोपुर ग्राम पंचायत, इसके रन्नूचक मकनपुर ग्राम पंचायत, इसके बाद ये भतौड़िया ग्राम पंचायत, ग्वालपुर ग्राम पंचायत, रामपुर खुर्द ग्राम पंचायत और एक यहाँ पर ग्राम पंचायत है बेलखरिया ग्राम पंचायत, ये सारे के सारे ग्राम पंचायत जो है पानी की चपेट, बाढ़ की चपेट में है। मेरा नाम अशोक कुमार राकेश है, मैं पंचायत समिति सदस्य गोसाईदासपुर से हूँ। प्रखंड कार्यालय और CEO कार्यालय में तालाबंदी की, हम लोग को अंचल अधिकारी के द्वारा अनुश्रवण समिति के बैठक के लिए आज 11 तारीख को बुलाया गया। हम लोग नाथनगर के सभी जनप्रतिनिधि मतलब सभी पार्टी के पदाधिकारी गण यहाँ आए, हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि आज मीटिंग नहीं होगी, और वो लोग अपने मन से कहाँ हैं नहीं हैं हम लोग आए कोई सूचना नहीं है। इस तरह पूरे जनप्रतिनिधि और सभी पार्टी के अध्यक्षों का अपमान करना पहला गुनाह है। दूसरा बात, पूरा नाथनगर बाढ़ से प्रभावित है, लोग जो है नाव के लिए मार कर रहा है, कहीं कहीं घर डूब रहा है, कोई खाने का साधन नहीं है, पूरी तरह से यहाँ 9 पंचायत बाढ़ से एकदम प्रभावित है। लेकिन आज इतना दिन के बाद CEO सब अनुश्रवण समिति का बैठक बुलाया, उसमें भी अनुश्रवण समिति का बैठक से पार है, बैठक किए ही नहीं,
ये उनका उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार के यहाँ से नियम है कि ये जो अनुश्रवण समिति का बैठक है कम से कम 3 महीना में एक बार बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ जब बाढ़ आता है तब अनुश्रवण समिति का बैठक बुलाया जाता है। यही नीतीश कुमार का सरकार का कहा जा रहा है कि बाबू साहब अपनी कुर्सी बैठ के सिर्फ बाबू साहब ही निभाने पे लगे हुए हैं और जनता के ख्याल का उनमें कोई भी सुध नहीं है। ऐसे में बेचारी जनता हमारे अन्नदाता किसान क्या करेंगे, जबकि जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने को तैयार है और बार बार बैठक करने की बात करते हैं, 3 महीने में अनुश्रवण समिति की बैठक की बात करते हैं, पर प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसके विरोध में आज इन्होंने तालाबंदी की है। आगे ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग कि संबंधित प्रशासन कोई सार्थक कदम उठाएगा और कुछ बेहतर होगा। सन्मार्ग के लिए कैमरामैन अजीत के साथ अभिषेक मिश्र। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।